यो यो गाइस, मैं हूं अबू सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो फिलहाल आपके सामने एक रेड आई का कबूतर है और होप कि पहचान भी गए होंगे आप सब कि एक जंगली कबूतर है। तो इसे आज सुबह लड़ते हुए पकड़ा गया और काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे तो इसलिए यूं ही हाथ से गया और पकड़ लिया गया और आराम से पकड़ा गया। तो इसको और करीब से दिखाने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ और इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और तो आप देख सकते हो जंगलियों की आंखें, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका मिजाज। आप देख सकते हो कि दोनों हाथ से पकड़ने के बाद भी ये कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी भी छुड़ा के भागने वाला हिसाब भरा हुआ है। और आंखें एकदम सुर्ख, बीच में थोड़ी पीली, तो इनमें जो पांच रिंग होते हैं वो साफ दिख रहे हैं। जो कबूतर की आंखों में जो पांच रिंग होते हैं वो एकदम साफ क्लियर दिख रहे हैं। चलिए, इनके चोंच, इनके पर, इनके पंजे आप देख सकते हो कैसे हैं। इनके नाखून, सभी चीज़ें। और इसके पैर पर मांझे के कट का निशान भी है जो लगता है कि काफ़ी पहले लगा हुआ है और अब सूख चुका है। तो अक्सर जंगली कबूतरों में ये देखने को मिल जाता है, या तो उंगली नहीं रहती या तो पूरे पूरे में उलझे हुए रहते हैं। तो ये है इसका पर। तो आगे क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्या एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं हम लोग। अपने क्या जंगली कबूतर बहुत सारे आते रहते हैं, नीचे नीचे से लेके, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेके टेरेस तक सैकड़ों जंगली आते रहते हैं। तो आज इसे ये रिंग पहनाएंगे हम लोग। और रिंग पहनाने का जो तरीका है वो होप कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन अगर जिनको नहीं मालूम है तो वो मैं बता दूँ कि रिंग तीन उंगली जो मेन आगे वाली होती है उसे मोड़ के अंदर डालनी है और फिर अंगूठा पीछे की तरफ खींच के और रिंग को ऊपर सरका देना है। या आप देख सकते हैं कि ये अंगूठा पहले, ये तीन उंगली है, तीन उंगली में डालिए, फिर पीछे का जो अंगूठा वाला हिस्सा है उसे पीछे की तरफ पैरों की तरफ मोड़ दें और फिर ये आराम से सरका दें अंदर। एक बार फिर से ये पूरी उसकी चार उंगली छोटी वाली पीछे मोड़ दें, बाकी तीन में रिंग डालें और फिर ये एकदम सिंपल। और फिर ये रिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए हम इसे छोटी वाली भी रिंग डालेंगे ताकि ये उस रिंग को कवर करे और उसे बाहर निकलने ना दे, तो इसलिए ये थोड़ी छोटी रिंग भी डाल देते हैं और ये उस पर अटक जाएगी। ये हो गया। अभी इस जंगली को हम लोग छोड़ेंगे और फिलहाल मेरे पास यही बहुत थोड़े बहुत रिंग बचे हुए हैं, तो इस जंगली को पहना के हम लोग छोड़ेंगे और देखते हैं कि ये कब कब और कितनी कितनी बार हम लोग को अपने छत पे दिखता है या फिर आसपास तो नहीं, मेनली हम लोग अपने छत पे ऊपर से नीचे तक देखना चाहते हैं ये कहाँ कहाँ जाता है और अगर इसका घर में कोई नेस्ट वगैरह है तो वो कौन सा है, एक तरह से निशान भी हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसको छोड़ते हैं, देखते हैं अभी ये क्या करता है। ये सामने वाली छत पे बैठ गया है अभी तो। पहले ये तो नॉर्मल होगा, ये तो अभी यही सोच रहा होगा कि मेरा पैर में क्या लग गया, तो दो तीन घंटे तो अभी ये इसी में परेशान रहेगा, उसके बाद ही नॉर्मल होगा। आप देख सकते हो पैर बार बार इस तरह कर रहा है कि कोई नई चीज़ अब उसके पैर में डल गई है तो फिर थोड़ा सा एबनॉर्मली वो फील करेगा और नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कब तक ये इस तरह करता है और कितने दिनों बाद या फिर कब कब मेरे को अपने छत पे या आसपास दिख जाता है, नीचे अगर आता है या नहीं आता है वो भी पता चल जाएगा। और मेरे घर में कई सारे इनके नेस्ट हैं जंगलियों के, तो कौन नेस्ट किसका है ये नहीं पता,
सारे जंगली तो एक कलर के होते, इसलिए समझ में नहीं आता। तो एक तरह से निशान भी हो जाएगा कि इसका नेस्ट है तो कौन सा है। तो फिलहाल इसी तरह एक एक करके अगर कोई पकड़ा गया तो उनको अलग अलग कलर का अलग अलग छल्ले पहनाया जाएगा, ताकि पता भी चल जाए कि इसका नेस्ट कौन सा है। चलती है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।